सुप्रभात सिद्धार्थ जी, बताएं आज थीम कौन सी चुनी, पहले तो वो बताइए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को। आज का जो थीम है वो है कंजम्पशन कार्निवल। त्योहारों का मौसम शुरुआत हो गई है और भारत देश कंजम्पशन का देश है, तो कंजम्पशन कार्निवल इंडिपेंडेंस डे से गणेश चतुर्थी अब और उसके बाद नवरात्रि, दिवाली और अभी त्योहारों का मौसम है। और इस त्योहारों के मौसम में जो हमने इंडिपेंडेंस डे पे जो सेल लगी थी, ये सेल भी बम्पर सेल आई है, बहुत अच्छी कंजम्पशन हुई है। तो प्राइवेट कंजम्पशन जीडीपी को भी बीट कर रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल के इनकम्स बढ़ रहे हैं, डाइवर्स पॉपुलेशन है, अर्बनाइजेशन है और जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी का फायदा सब उठा रहे हैं, कंजम्पशन बढ़ रहा है, डिमांड जो है वो रिवाइव कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पिछला टाइम गया था वो थोड़ा सा मंदा था, तो अब डिमांड बहुत जोरदार रिवाइव हो रहा है। और हमारा देश भारत, वो कंजम्पशन की स्टोरी हमेशा से रही है, क्योंकि 135 करोड़ के ऊपर की आबादी, तो कंजम्पशन दमदार। इसीलिए आज का जो थीम है फेस्टिव सीजन से है, कंजम्पशन कार्निवल। कंजम्पशन की थीम पर है बुलिश इस वक्त सिद्धार्थ जी, बहुत बढ़िया। तो बताएं सिद्धार्थ जी, कौन कौन से स्टॉक्स चुनने हैं इस थीम में? देखिए अनिल जी, इस पूरे ही थीम में मैंने बहुत बड़ी टॉप गन लार्ज कैप नहीं ली है, एक मिड कैप का एक पूरा पोर्टफोलियो बनाया है और ये पहली चार कंपनी का पोर्टफोलियो होगा। सबसे पहली कंपनी होगी टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स पे खरीदारी की राय है, ये थोड़ा शॉर्ट टर्म व्यू है, इस पे टारगेट होगा 1030 का। टीवीएस मोटर 30 रुपए लगा है। थर्ड लार्जेस्ट टू व्हीलर कंपनी है, 17-18% का मार्केट शेयर है। पहली तिमाही के जो नतीजे थे इसमें वॉल्यूम 6% से बढ़े हैं, डिमांड बहुत जोरदार रिवाइव हुआ है और इन्होंने जो नया प्रीमियम प्रोडक्ट बनाया है रोनिन, ये बहुत अच्छा ट्रैक्शन बिल्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में वॉल्यूम्स काफी दमदार है, अगर 9000 इस पिछले क्वार्टर में सेल्स हुई है, कंपनी चाहती है कि 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर्स टू व्हीलर्स बिके, तो 45% के मुनाफों के ग्रोथ से ग्रो होने वाली कंपनी टीवीएस मोटर्स कंजम्पशन की। दूसरी कंपनी होगी इंडियन होटेल्स, टारगेट होगा 320 रुपए का इंडियन होटेल्स का, फिर से 30 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। ताज, विवांटा, जिंजर आप सभी जानते हैं और मैंने बहुत बार स्पेशल कॉल में भी इंडियन होटेल दिया है, फिर से ला रहा हूं, क्योंकि मुनाफों में और रेवेन्यू में 2.5 साल 10 क्वार्टर का टॉप देखा गया है। Q1 में बहुत दमदार परफॉर्मेंसेस आई है, ऑक्यूपेंसी 70% के ऊपर, एवरेज रूम रेट्स 11,000 के ऊपर और यहाँ पे मार्जिन्स भी दमदार 30% से ग्रो हो रहे हैं। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से इनकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है होटल की, दमदार है इंडियन होटल, ताज ग्रुप ऑफ कंपनी। तीसरी कंपनी कंजम्पशन कार्निवल में होगी बर्जर पेंट्स। कौन इस त्योहारों में पेंट या डेकोरेटिव पेंट्स नहीं करवाना चाहेगा, अपने घर को रोशन करना चाहेगा। सेकेंड लार्जेस्ट पेंट कंपनी, Q1 के वॉल्यूम्स 35% से ग्रो हुए हैं, मुनाफे 80% से ग्रो हुए हैं और 50,000 से ऊपर डीलर। रीपेंटिंग का जो माहौल रहता है वो फेस्टिव में जरूर आता है, तो ये बर्जर पेंट्स उसके लिए 18% रेवेन्यू ग्रोथ से CAGR ग्रो हो सकती है। और चौथी कंपनी है, जब भी छुट्टी छोटे बड़े मौके मिलते हैं सिनेमा देखने चले जाएंगे, PVR पे। PVR जिसका टारगेट आपको रखना है 2200 रुपए का, 20 रुपए अंतिम के लगाने हैं 100 रुपए में से। लीडिंग मल्टीप्लेक्स आईनॉक्स के लेने के बाद 47% का मार्केट शेयर, टिकट के दाम जो है वो 250 रुपए हो गए हैं, एवरेज टिकट के दाम 200 रुपए के कंपैरिजन में। फूड एंड बेवरेजेस 134 रुपए का हो गया है 9600 रुपए के मुकाबले, तो बहुत दमदार बिजनेस है। और लाइकर करके कंपनी मूवी आ रही है जो बहुत एडवर्टीजमेंट भी हो रही है, तो ये मूवी भी अगस्त में आएगी, तो इसके कारण भी PVR पे दम रह सकता है। तो ये कंजम्पशन की थीम है जो छोटे छोटे पॉकेट से आप यूज कर सकते हैं। कंजम्पशन कार्निवल इज द थीम फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। बहुत बेहतरीन है ये चारों स्टॉक, दमदार फंडामेंटल्स वाले। ये PVR के जो टिकट के दाम आप बता रहे हैं 200 से 250 हो गए और बेवरेजेस के रियलाइजेशन 95 से 105 रुपए कुछ हो गए, इसी चक्कर में हमारे बंसल जी जा नहीं रहे। सिद्धार्थ जी पता ही नहीं पता आपको? नहीं, बंसल जी जाएंगे, ये लाइगर आएगा तो जाएंगे जरूर। किसमें? टाइगर जो मूवी आ रही, कौन सी लाइगर ये कौन सी बंसल जी, कौन सी पिक्चर है ये? अनिल जी नाम तो फिरंगी लग रहा है, अनिल जी हिंदी होगी तो देखेंगे, नाम तो सुना है सोशल मीडिया पर।
जिसके नाम में अनिल जी बोलने में दिक्कत आ रही है तो एक बार पहले ट्रेलर देखेंगे सोशल मीडिया में तो सुना है मैंने भी अभी अपने सिद्धार्थ जी ने बोला तो समझ में आया पिक्चर का नाम है। आजकल बंसल जी मेरी तरह हो गए, 8-10 लोगों से पहले राय ले लेते पिक्चर अच्छी है कि नहीं है, वो 8-10 में से 4-5 तो खराब बोल देते हैं, फिर क्या देखना छोड़ो, और तब तो 5-7 हफ्ते पुरानी भी हो जाती फिर रही जाती है, फिर टीवी पे ही आ जाती है। टीवी पे भी नहीं देखते, टाइम तो उतना ही लगता है ना, 3 घंटे तो कहीं भी बर्बाद करो, टीवी पे करो वहां करो, टीवी पे थोड़ा सा ये है कि आप रिकॉर्ड कर लो तो थोड़ा थोड़ा गाने आगे चला सकते हो, ब्रेक में से आगे भगा सकते हो, अगर थिएटर में जाना है तो घर से निकलो जाओ आने जाने का टाइम ये वो तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है, एक मूवी का मतलब है 5-4 घंटा तो मिनिमम। आपने आखिरी कब देखी थिएटर में? याद नहीं आ रहा थी इतना टाइम हो गया, मतलब कोविड के बाद तो नहीं देखी है पक्का है। कोविड के बाद तो नहीं देखी, मैं सारी जब भी देखता मैं हूँ फ्लाइट में, फ्लाइट में तो फ्लाइट में आराम से वो टाइम पास हो जाता है। अच्छा उसमें क्या फिल्म देखते देखते नींद भी अच्छी आ जाती है।